Subscribe to Hot Talk on PSX and enable the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, क्या हाल हैं? सब ठीक है अल्लाह पाक से, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, आज बिल आखिर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जो हमारे व्यूअर्स हैं और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं, सबको मुबारकबाद देता हूँ कि मार्केट ने आज अपना 41,000 का लेवल, जो नफसियाती लेवल था, उसको क्रॉस किया। आप पिछले हफ्ते की मेरी वीडियो उठा के देख लें, हमने ग्रुप में भी हमने स्टॉप कराया हुआ था और उन चीजों में सिर्फ बाइंग करवा रहे थे जिनकी न्यूज थी, जो आज बढ़े हैं सारे, ओजीडीसी, पीपीएल और जितने आपको मैंने बताए हैं सारे, रिफाइनरी में करवाई थी, सब में करवाई थी। जो है ये आप देख लें कि माशाल्लाह से आज सारे के सारे अपर कैप थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काफी अपने ग्रुप में फायदा उठाया उसमें। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं जिसमें आपको सारे लेवल्स बताएंगे कि मार्केट अब आगे किस किस लेवल तक जा सकती है, कितना बढ़ सकती है, आपको क्या क्या चीज खरीदनी चाहिए, किस किस लेवल पे लेनी चाहिए और किस किस लेवल पे बेचनी चाहिए, तो सब कुछ आपको बताएंगे। नंबर नोट कर लें, 0323471458। तो दोस्तों बात यह है कि देखिए, मार्केट जब एक दफा इसको टच करके नीचे चली गई थी तो आपको बता दिया था मैंने पिछले वीक में ट्यूसडे को ही कि मार्केट अब कुछ प्रोडक्टिव काम चाह रही है, इसको अच्छी न्यूज का इंतजार है, वो मिलेगी तो मार्केट इसको क्रॉस करेगी वरना साइडवेज हो जाएगी। तो आपने देखा है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे मार्केट साइडवेज रही, ठीक है, क्योंकि अभी कुछ सामने नहीं आया था ना आईएमएफ का। अब देखें सामने आ रही हैं बातें कि आईएमएफ की जो शर्तें हैं वो गवर्नमेंट ने सारी एक्सेप्ट कर ली हैं और इसमें जो सर्कुलर डेट का मामला है वो भी एक्सेप्ट हो गया है और रिफाइनरी पॉलिसी भी आने जा रही है। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। रिफाइनरी पॉलिसी के आते ही आप देखिएगा कि आपकी मार्केट जो है ये आज तो वो भी बढ़े हैं ना, जैसे कि सर्कुलर डेप्थ के मामले में आना है, जैसे ओजीडीसी है, पीपीएल है, मारी है, उसके बाद और भी जो डिफरेंट स्टॉक हैं जो मैंने पिछली वीडियो इससे पहले अपलोड की है उसमें आपको सारे बताए हैं, ठीक है। तो अब जो आगे बढ़ने जा रहे हैं वो भी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी भी हिडन न्यूज है, ये जो चार स्टॉक आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये है जी, रिफाइनरी पॉलिसी बिल्कुल मेकिंग कर चुकी है, ये आपके सामने इसकी ये रिपोर्ट आ गई है रिफाइनरी की। ये है जी कि इस्लामाबाद टू इंजेक्ट द फ्रेश इनटू द प्लान ऑफ द 4.5 बिलियन ऑयल रिफाइनरी प्लांट बाय अ चाइनीज कंपनी इन द ग्वादर एज वेल एज द मोर देन द 10 बिलियन ऑयल रिफाइनरी प्लांट बाय द सऊदी अरब एंड यूएई इन द हब बलोचिस्तान। द पाकिस्तान गवर्नमेंट, अब ये सुने आगे जरा, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज फाइनलाइज्ड अ ड्राफ्ट ऑफ द ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 एंड विसेज द सेवरल टैक्स द एग्जेम्पशंस एंड इंसेंटिव्स। उसके बाद है जी, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पब्लिश्ड बाय द फादर प्रो ऑन द संडे, द रिफाइनरी पॉलिसी कंप्राइज ऑफ द टू कंपोनेंट्स विद वन रिलेटेड टू द एक्साइटिंग द लोकल रिफाइनरीज एंड द अदर अबाउट द इन्वेस्टमेंट फॉर द न्यू रिफाइनरीज, यानी कि लोकल जिसमें आपकी चार रिफाइनरी है हमारे रिफाइनरी सेक्टर में। द पॉलिसी प्रोसेसेस द एग्जेम्पशन फ्रॉम द कस्टम्स ड्यूटीज सरचार्जेस विद होल्डिंग टैक्सेस जनरल सेल टैक्सेस एनी अदर
ऑफ द वॉलेंट टैक्स ऑन लेवल्स। अब ये देखें कि जितने टैक्सेस हैं मुकम्मल तौर पे रिफाइनरी पॉलिसी से एग्जेप्ट किए जा रहे हैं, यानी कि ये टैक्स से रिलीफ मिलेगा, बहुत बड़ी चीज है और बहुत बड़ा पैसा भी मिलेगा रिफाइनरी को इसकी अपग्रेडेशन के लिए और आगे मामला चलाने के लिए। द फेडरल गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट द ग्रांट ऑफ द सिमिलर एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविंशियल एंड द लोकल टैक्सेस द पॉलिसी रिवील्ड। उसके बाद आगे भी देखें, ये नेक्स्ट आपके सामने फुटेज रखने जा रहा हूं, ये है जी कि रिफाइनरीज विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द विदहोल्डिंग टैक्स रिक्वायरमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ऑन द पेमेंट्स टू बी द मेड ऑन द नॉन रेजिडेंट पर्संस इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टर और द एसोसिएटर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू द परचेज ऑफ द मशीनरी इक्विपमेंट टू द इंस्टॉल्ड इन द प्रोजेक्ट। यानी कि इसमें जितनी मशीनरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी या इक्विपमेंट और इनको चाहिए या इसकी अपग्रेडेशन के लिए पैसा चाहिए सब प्रोवाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट ऑफ द पॉलिसी इन केस ऑफ द प्रिसाइजिंग द रिजीम इन द डी रेगुलेटेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम द January 1, 2023 यानी कि January 1, 2023 टू द December 31, 2028 यानी कि January 2023 से 31 दिसंबर 2028 पांच साल की ये पॉलिसी है जो कि आपको पता है बहुत आगे काम करने जा रही है। आगे देखें जी, आगे है जी एट द प्रेजेंट द पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी आर मीटिंग 55% ऑफ द एनुअल डिमांड ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज द सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द 1 बिलियन ए अनयूटिलाइज्ड अराउंड द 70,000 बैरल्स ऑफ द लोकल क्रूड एंड कंडेंसेट पर डे। यानी कि कैपेसिटी बहुत ज्यादा इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आगे भी फर्दर आप इसको पढ़ सकते हैं जो कि जीडीपी हमारे नेशनल जो जीडीपी है इसको इंक्रीज करने में भी बहुत ज्यादा कारामद साबित होगी। तो दोस्तों ये भी कॉन्ग्रेचुलेशन है आप सबके लिए, ये बहुत बड़ी न्यूज है रिफाइनरी के लिए। तो कल तैयार हो जाए, आपकी रिफाइनरी भी चलेगी और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनीज भी चलेगी, मार्केटिंग भी चलेगी, एक्सप्लोरेशन भी चलेगी और पूरी मार्केट आपकी चलेगी। तो इसके जो बेनिफिशियरी स्टॉक है वो आपको बताने जा रहा हूं, वो है जी सबसे पहले है जी अपना ATRL, दूसरे नंबर पे है NRL, तीसरे नंबर पे है सिनर्जी, चौथे नंबर पे है जी अपना पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड PRL। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, इन तमाम स्टॉक को भी आप ले लें, होल्ड करें और मौजे करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे टारगेट सिखाएंगे। इनके लेवल सारे बताए जा रहे हैं हमारे ग्रुप में, ऑफिशियल ग्रुप में आए आपको तमाम लेवल्स बताएंगे इसके, बाइंग सेलिंग विद स्टॉप लॉस, डेली बेसिस पे भी प्रॉफिट उठाएं और वीकली भी उठाएं, मंथली भी उठाएं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट आगे इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहता हूं, दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद, अल्लाह हाफिज़।